बांग्लादेश में कट्टरपंथी जिहादियों के द्वारा की गई धर्म के नाम पर हिंसा कोई आंदोलन नहीं बल्कि महिलाओं, बच्चों और हिंदुओं के संहार की साजिश है। 124 जिहादियों द्वारा महिलाओं को प्रताड़ित करना और हिंदुओं का संहार भारत के लिए चिंता और चेतावनी का सबक है। ऐसे में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। इसी कड़ी में बांग्लादेशी जिहादियों के खिलाफ वाराणसी में सामाजिक संगठनों और महिलाओं का गुस्सा फूटा। विशाल भारत संस्थान एवं मुस्लिम महिला फाउंडेशन की ओर से बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे सड़क पर उतरकर सुभाष भवन से लेकर प्रेमचंद स्मृति द्वार तक सुरक्षा मार्च निकाला। इस दौरान बेटियों ने ड्रम बजाकर दुनिया की बहरी सरकार को बांग्लादेश में महिलाओं की चित्कार को सुनाने का प्रयास किया। इस अवसर पर बांग्लादेश जिहादियों का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्री गुरुजी ने कहा कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, पूरी दुनिया की महिलाओं को जिहादियों की खुली चुनौती है। सामूहिक बलात्कार इनके चरित्र का हिस्सा है जो अपने देश के महिला प्रधानमंत्री के अंतर्वस्त्र लहराकर जीत का जश्न मना सकते हैं। वो किसी भी महिला को नहीं छोड़ेंगे। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मंदिरों पर हमला हो रहा है, एक सौ लोग एक एक महिला के साथ अत्याचार और रेप कर रहे हैं, बच्चों की हत्या करके उनको टांग दिया जा रहा है। आज पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठन चुप हैं। आज हम लोग सड़क पर उतर करके जिहादियों को चुनौती और चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर भारत में इस तरह का मुगालता पाले तो आम शहरी भी सड़क पर उतरेगा और जिहादियों का मुकाबला करेगा। यहाँ उनके बाप का तख्त नहीं जो इसको पलट दे। ये बांग्लादेश नहीं है जो अपने ही महिला प्रधानमंत्री के अंतर्वस्त्र उछाल करके वो विजयी मुद्रा में सबको दिखा रहे हैं। ये पूरी दुनिया की महिलाओं को इन्होंने चेतावनी दी है कि पूरी दुनिया की महिलाएं चेत जाएं और इन जिहादियों का मुकाबला करके खुद सड़कों पर उतरे। दुनिया की सरकार चेते, नहीं तो ये जिहादी घरों में घुसेंगे, महिलाओं के साथ रेप करेंगे और दुनिया की मानवता शर्मसार होगी। बच्चों की हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ये क्रांति कर रहे बांग्लादेश के लोग। और बांग्लादेशियों को मैं कहना चाहता हूँ साफ तौर पर, जितने घुसपैठी हैं उनको बाहर निकाला जाए, रोहिंग्या को बाहर निकाला जाए। और बांग्लादेशियों को ये पूरी चुनौती है कि हिंदुओं के सुरक्षा करे वहाँ की सरकार, अन्यथा पूरे देश में इस तरह का आंदोलन धरना प्रदर्शन होगा और हम जिहादियों को एक मिनट भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं। वही मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी ने कहा कि जिहादी हर देश में है और वहाँ इस्लामी कानून लाकर महिलाओं को बनाना चाहते हैं। महिलाओं और बच्चों को बचाने के लिए सभी देश धार्मिक जिहादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाकर उन्हें कठोर दंड दे। इनकी चुप्पी कट्टरपंथियों को मन बढ़ाने वाली है। समय रहते लगाम लगाना होगा वरना बहुत अनर्थ होगा। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में लगातार हिंसा जारी है और वहाँ के हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। क्रांति के नाम पर महिलाओं और बच्चों को निशाना साधा जा रहा है और एक महिला के साथ 124 लोग बलात्कार कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर मानवता नाम की चीज़ भी शर्मसार हो रही है। और आज मैं पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठनों से पूछना चाहती हूँ कि वो इस बात पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। आज पूरी दुनिया के मानवाधिकार संगठन सिर्फ आतंकवादी, जिहादी और अपराधियों के मानवाधिकार की बात करते हैं। क्या बांग्लादेश के हिंदुओं की और महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार नहीं है, इस पर वो चुप्पी साधे क्यों हैं? बाकी दुनिया के देश जो इस्लामिक देश है या फिर अन्य देश जो शांति की बात करते हैं वो क्यों मौन है, वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? सरकारें भी बोलें इस पर, क्योंकि अगर इस्लामिक जिहादी बांग्लादेश को नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, वहाँ के संस्थापक की मूर्तियाँ तोड़ सकते हैं, तो बाकी अन्य देशों में भी इनका जुल्म कहर जारी रहेगा। फिलिस्तीन पर तो सारी दुनिया के देश बोले, यहाँ तक कि भारत के संसद भवन में भी नारे लगाए गए, जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए। तो ऐसे नेताओं से मेरा सवाल है कि आज वो बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरुद्ध अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद भवन में कहा कि हिंदू हिंसक है, क्या आज उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के साथ संहार हो रहा है, क्या हिंदू हिंसक है, इस्लामिक जिहादी हिंसक है या हिंदू हिंसक है? आज पूरी दुनिया की सरकारें मौन तोड़े और आज हम सभी महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करके ये बताया है कि बांग्लादेश की महिलाएं हो, पाकिस्तान की महिलाएं हो या भारत की महिलाएं हो, अगर इस तरह के अत्याचार होंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। सरकारें चुप बैठ सकती हैं, हम मगर सामाजिक संगठन और सुभाषवादी चुप बैठने वाले नहीं। लोगों ने बांग्लादेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसका हम लोगों ने विरोध किया है। क्या जो वहाँ बच्चों की हत्या हो रही है हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जो भारत में लोग कट्टरपंथी चाह रहे हैं वो यहाँ नहीं होगा।